हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 42। हमें 42 का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फैक्टर लिखना है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ द 42, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे 42 के, कि 42 के कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक तो 42 वन जो 42 हो जाता है, या फिर 1 से के 42 के करेंगे तो हो जाता है 42 हो जाता है, ठीक है। 2 की जब हम 21 से करेंगे तो 42 आता है हमारा। 3 की 14 से करेंगे तो हमारा 42 आता है। 6 की 7 जैसे करेंगे तो 42 आता है। 7 6 जब भी 42 आता है, ठीक है। इनका रिवर्स हम कर देंगे तो भी क्या आएगा, हमारा 42 ही आएगा। तो हमें इनमें से क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा 42 का। तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है 42 का वो है 1, और जो लार्जेस्ट फैक्टर है 42 का वो है 7, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, हमें शो करना है कि 36 फैक्टर है 216 का। तो हम इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, 36 की डिवाइड कर देंगे 216 से। अब जो हमारा 36 है पूरा 6 से चला जाएगा 216 से, 6 से मतलब पूरा हमारा 36 जो चला जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 बचेगा और क्वेश्चन हमारा 6 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, रिमाइंडर 0। तो आप लिखोगे यस 36 इज अ फैक्टर ऑफ 216। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 25 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 813। हमें ये शो करना है कि क्या 25 फैक्टर नहीं होता 813 का। तो इसको शो करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25 के 813 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। पहले हम 3 से करेंगे तो 75 होता है, क्योंकि अगर हम 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 75 होता है, काट देंगे कितना बचेगा 6, ऊपर से हम 3 ले लेंगे। और 25 2 जैसे करेंगे, क्योंकि 3 जैसे 75 होता है, 63 से 75 ज़्यादा हो जाएगा, 25 2 जैसे 50 होता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर कितना बच जाएगा 13, और क्वेश्चन हमारा है 32, यानी कि रिमाइंडर हमारा 13 बच गया। यानी कि रिमाइंडर जब हमारा 0 आता है तभी तो फैक्टर होता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर यहाँ बचा है ना, 13 आया है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 25 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 813, कि जो 25 है वो 813 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।